हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ ऐसी केक की रेसिपी शेयर करेंगे जिसमें हम ना तो बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे ना ही बेकिंग सोडे का। फिर भी बहुत जालीदार होगा और सॉफ्ट भी होगा साथ ही में। फ्रेंड्स, ये फ्रूट केक को आप आइसक्रीम के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल तो लगता ही है, साथ ही में उसका कॉम्बिनेशन भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। यहाँ पे हमने वेनिला आइसक्रीम के साथ फ्रूट केक को सर्व किया है, बहुत ही यमी यमी लगता है फ्रेंड्स। और आप इसकी जाली भी देख सकते हैं, बहुत ही स्पॉन्जी केक हमारा रेडी होगा। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए सॉफ्ट और स्पॉन्जी ऐसा फ्रूट केक बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने सबसे पहले टिन को ग्रीस कर लेना है ऑयल से या बटर से। यहाँ पे हमने ले लिया है पाउडर शुगर। फिर सारे मेजरमेंट हम टिफिन बॉक्स में डाल देंगे। और यहाँ पे हमने ले लिया है रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे हमने एक कप भर के दूध ले लिया है जो नॉर्मल ही है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने पाउडर शुगर ली है, इसलिए जल्दी से मिक्स भी हो जाएगी बैटर के अंदर, इसलिए हो सके तो पाउडर शुगर का ही यूज़ करना। फ्रेंड्स, आज हम फ्रूट केक बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने ले लिया है कलरफुल टूटी फ्रूटी, और उसके अंदर एक चम्मच भर के मैदा डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट उसमें ऐड कर सकते हैं, पर वैसे भी टूटी फ्रूटी के साथ भी बहुत ही यम्मी हमारा केक रेडी होगा। यहाँ पे हम मैदा ले लेंगे, ये हमने डाला एक कप, उसी का हम आधा कप और मैदा डाल देंगे। टोटल हम ले लेंगे 1.5 कप मैदा। साथ ही में यहाँ पे हमने ये स्पून भर के 4 चम्मच मिल्क पाउडर ले लिया है जिसको हम ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर डालना, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है और यमी भी उतना ही लगता है हमारा केक। यहाँ पे हमने ले लिया है पिंच ऑफ सॉल्ट। अब हम सबसे पहले सारी सामग्री को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा है इसलिए यहाँ पे हमने 2 चम्मच भर के मिल्क और ऐड किया है, मिक्स करेंगे प्रॉपरली। फ्रेंड्स, बैटर में जितनी ज़रूरत हो मिल्क की उतना ही हम ऐड करेंगे, क्योंकि कभी कभी मैदा ज़्यादा भी एब्जॉर्ब करता है और कभी कम भी होता है दूध, इसलिए जितना ज़रूरत लगेगा उतना ही हम ऐड करेंगे। फिर से हमने 2 चम्मच भर के मिल्क ऐड कर दिया है। यहाँ पे हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी रिबिन की जैसी होनी चाहिए, जैसे हम गिराते हैं तो रिबिन की तरह ऐसे बिल्कुल गिरना चाहिए। इस टाइम पे हम डाल देंगे वेनिला एसेंस। यहाँ पे हमने 1 चम्मच भर के वेनिला एसेंस ले लिया है। यहाँ पे हमने 1 चम्मच भर के विनेगर ले लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने विनेगर लिया है तो बिल्कुल भी ये खट्टा नहीं होगा हमारा केक, बहुत ही उससे स्पॉन्जी बनेगा हमारा केक। हमने जो टूटी फ्रूटी मिक्स करके रखी थी वो ऐड कर देंगे और अच्छे से हमारे बैटर में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने इनो का एक सैसे ले लिया है। फ्रेंड्स, जब हम इनो डालते हैं उससे 10 मिनट पहले ही हमें हमारा पैन भी प्रीहीटेड कर देना है। इनो हमारा अच्छे से एक्टिवेट हो जाए इसके लिए थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी और हमारे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल ही हल्के हाथों से। यहाँ पे हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम ज़्यादा देर बैटर को रखेंगे नहीं, तुरंत ही हम टिन में ऐड कर देंगे हमारे बैटर को। फ्रेंड्स, ये टिन को हमें टैप नहीं करना है, नहीं तो हमारी जाली जो भी बनेगी वो बैठ जाएगी। और तो यहाँ पे हमारा पैन भी प्रीहीटेड हो गया है तो तुरंत ही हम टिन को ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पे ही हम 35 या 40 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यहाँ पे हमने 35 मिनट के लिए कुक कर लिया है।
अभी हम केक को रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। अभी इस टाइम पे हम रिमूव करेंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब हमारा केक कम्प्लीटली ठंडा हो जाए उसके बाद सबसे पहले हम साइड को ऐसे रिमूव कर लेंगे और ऐसे पलटा के हुए प्लेट में ले लेंगे। यहाँ पे हमारा सुपर सॉफ्ट और यमी यमी ऐसा फ्रूट केक तो रेडी है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।